गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बड़ी निमचोली, जो कि है केदारनाथ मंदिर से कुछ 5 किलोमीटर पहले। और अभी उठे हैं, नहाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, पानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऊपर चल के कहीं देखेंगे। अभी 7 बज गए हैं सुबह के और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे धूप दिखाई देने लग गई है। अभी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, ये सामने बहुत बड़ा ग्लेशियर, और इधर से ही जाना है हमने अभी इस वाले रास्ते से। रात हम आके रुक गए थे अपनी यहाँ पे कैंप साइट बनी हुई है 4-5 इधर पीछे की साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था तो हम यहाँ रात रुक गए थे। और रात अच्छे से कटी, स्लीपिंग बैग वगैरह मिले हुए थे, 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हमको मिल गया था 4 बंदों के लिए 2000 रुपये में। तो अभी यहाँ पे दुकानें वगैरह सब क्लोज हैं, इधर पीछे की साइड भी ये जितनी दुकानें हैं अभी ये सब क्लोज है। तो अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर, कहीं देखेंगे, चाय नाश्ता करेंगे कुछ। और बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा। सुबह 6 बजे, 1 घंटा पहले कम से कम -5-6 डिग्री टेम्परेचर था जो फ़ोन दिखा रहा था, और मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा होगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। अब भाई लोग वहाँ बैठे हैं, आग सेक रहे हैं, तो बस चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको थोड़ा ऊपर चल के, जा कहीं चाय नाश्ता करेंगे। भाई ठंड हो रही है, बहुत गजब वाली ठंड। क्या पैर सुखा रहे हो भाई साहब? यार तो जी कुछ आधा किलोमीटर ऊपर आके यहाँ मिला ये रेस्टोरेंट, वहाँ से हम आ रहे नीचे से, और यहाँ पर है पूरी सब्जी और चाय, नाश्ता पानी करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से आगे की साइड। ट्रैक शुरू हो चुका है, लोगों ने चलना शुरू कर दिया है, तो बस हम भी नाश्ता करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। व्यू देखो यार सामने का, नाश्ता हो गया भाई और कर दिया ट्रैक कंटिन्यू। दीपक और गौरव हैं आगे और सुमित वो आ रहा है सामने से। तो भाई जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, वादियाँ इतनी सुंदर होती जा रही हैं, इतनी सुंदर होती जा रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठंड भी बढ़ती जा रही है और खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है, ये देखो आप। तो बस चल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, अभी यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर और बचा है, जहाँ हम रात रुके थे वहाँ से एक या डेढ़ किलोमीटर आ चुके हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे और फिर बात करते हैं आपसे। फिल्म कर रहे हो सर? अब आ रहे हैं मस्त, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं और मात्र 3 किलोमीटर दूर रह गए। अब यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो रही है, ये पूरा ऐसे जिग जैग। ओ अभी वहाँ पहुँचना है ऊपर, और फिर वहाँ से दिखेगा कुछ कि उतरना है या चढ़ना है, वो आगे से पता चलेगा। खतरनाक चढ़ाई शुरू हो चुकी है, खतरनाक चढ़ाई। और ये नीचे बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल निकल रहे हैं छोटे छोटे,
तो जी फाइनली 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 टाइम बताना यार कितना हुआ है, 9:16। तो जी हुए हैं 9:16 और अब जाके दिखाई दी है क्या धूप। तो ये लो जी सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं। अगर इधर से लूँगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सुकून मिला, भयंकर मज़ा आ रहा है। अब सूर्य जैसी पड़ा है ना ऐसा लग रहा है बस पूछो मत, कोई लफ्ज नहीं है मेरे पास बताने के लिए। वाह यार धूप का अलग ही मजा है। 2.5 के हाँ ढाई किलोमीटर अभी और बचा है, अब लगता है ज़्यादा जैकेट वैकेट उतारनी पड़ेगी। यस लगी हुई है फुल मस्ती। जैसे जैसे आ रहे हैं करीब एनर्जी बढ़ती जा रही है भाई लोगों की। अब मिला हमारा पूरा ग्रुप अब हुए चार इकट्ठे। ये दोनों ही वीडियो थे हमारे, लेकिन ये दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। तो बहुत पीछे से आ रहे हैं। मैं दीपा, हम ये शुरू से हमसे पीछे चल रहे थे। दीपा लाइयो। चलो भाई 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 पहली झलक जो है यहाँ से बाबा केदार की दिखने लग गई है। GoPro में तो नहीं दिख पाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। बिल्कुल मेरे ठीक सामने केदार बाबा की जो मंदिर की चोटी है वो दिखाई दे रही है यहाँ से, और बड़ा ही गजब बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। बस मुझे लगता है 10 या 15 मिनट और लगेंगे और फिर पहुँच जाएंगे हम सीधा मंदिर के पास। हर हर महादेव।
जस्ट इस रूम के पीछे ही मंदिर है और हमने सोचा है भी यहाँ एक रूम लिया है नहाने धोने के लिए, सिर्फ फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। एक भाई पट हो चुका है, हेलो, और एक नहाने गया है, एक बाहर जा रखा है। तो फटाफट नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। तो भाई नहा धो के हो गए फर्स्ट क्लास रेडी, और अगर पीछे का सीन दिख रहा हो तो भीड़ दिख रही होगी, और उसी भीड़ में बैठे हैं बाबा केदार, वो रहे बिल्कुल ठीक सामने। चलते हैं आगे और करते हैं दर्शन बाबा केदार के। तो अभी पहुंच गए बिल्कुल मंदिर के पास। हर हर महादेव, हर प्रसाद। काफ़ी है, अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं, दरवाज़ा बंद है, तो अभी थोड़ी देर बाद खुलेगा, फिर करेंगे दर्शन। तब तक यहाँ चल रही है दीपक भाई की सेल्फियाँ ये, तो तब तक करते हैं थोड़ी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, तब तक कपाट खुलते हैं मंदिर के और फिर लगना पड़ेगा शायद लाइन में, जो कि है वो पीछे तक लाइन लगी हुई है। सब लगे हैं अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में, कपाट जो है अभी भी बंद है, 3 बजे बोल रहे हैं खुलेंगे, टाइम हो रहा है 1:15, और हमने कहा खाली बैठे क्या करें, ले रहे हैं ऐसे एक टाइम लैप्स इस साइड का, जैसे ही बनता है फिर दिखाता हूँ आपको कैसा बना है। तब तक के लिए इसी पे फोकस करते हैं। भाई अभी बज गए 2:30 और मंदिर के खुल चुके हैं कपाट, और लाइन देखो कहाँ से लगी हुई है। ये पूरी लाइन है और ये ऐसे घूम के वो जा रही है नीचे तक। तो अब हम चलते हैं, अब लगते हैं कहाँ, सबसे पीछे। चलो ये देखो कहाँ तक लगी है। पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी देर और, ये यहाँ से और वो मंदिर तक का एरिया और बचा है, फिर आपको दिखाएंगे स्नोफॉल, फिर हो सकता है स्नोफॉल दिखाया जाए आपको, क्योंकि हल्का हल्का बहुत हल्का हल्का भी पड़ रहा है, जैसी धूप निकलती है तो कम हो जाता है और जैसी बादल आते हैं तो फिर से शुरू हो जाता है।
बोतल ने पकड़ा दी मारती। कुछ कहना चाहेंगे आप? हो गया, पहले बाबा के दर्शन कर ले। दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतनी भीड़ नहीं थी मंदिर के अंदर जितनी बाहर से दिख रही थी, और अब तो लाइन भी ख़त्म हो गई है, वो कपाट बंद थे उस टाइम पे इसलिए भीड़ बड़ी हुई थी, और अब चलते हैं भीमशिला की ओर। अरे रुक जा। तो ये जो आप मेरे पीछे बहुत बड़ा सा पत्थर देख रहे हो, आपदा के टाइम पे जब इस साइड से पानी आया था बहुत तेज़, तो ये पत्थर जो था ये उस पानी के साथ ही बह के आया था और यहाँ मंदिर के पीछे रुक गया था। तो इसके बाद जितना भी पानी आया था वो सारा मंदिर के ऊपर से और दोनों साइड से निकल गया था, जिससे कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब ये भी एक हॉली स्टोन टाइप का हो गया है, देखिए कितना बड़ा है ये, इतना बड़ा पत्थर सोचो कैसे बह के आया होगा, और इसी पत्थर ने इस मंदिर की रक्षा की थी। और अब जितनी पूजा केदारनाथ बाबा की जाती है उतनी ही इस भीमशिला की जाती है। वाकई बहुत बड़ा पत्थर है भाई। तो जी दर्शन हो गए मंदिर के भी, और ठीक रही मेरे भाई, बहुत बढ़िया, मंदिर के भी दर्शन हो गए और भीमशिला के भी हो गए। अब चलते हैं उधर ऊपर की साइड जहाँ बैठे हैं भैरव बाबा। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन के बगैर यात्रा पूरी नहीं होती। तो जी ट्रैक शुरू हो चुका है भैरव बाबा का, जो कि इस यात्रा का है आखिरी पड़ाव, और रास्ता है कुछ ऐसा, और ये ब्रिज क्रॉस करके वो वहाँ जाना है ऊपर। तो बस फिर चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, चलते हैं धीरे धीरे, टाइम हो गया है 4:11, तो देखते हैं कितनी देर तक वापस आते हैं। रुकने का या वापस चलने का जो प्लान होगा वो नीचे उतरने के बाद ही डिसाइड होगा। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई क्रॉस करने के बाद, ज़्यादा दूर तो नहीं है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर चढ़ाई जो है बिल्कुल खड़ी है। तो पहुँच गए हैं भैरव मंदिर। ये रहे भैरव बाबा, करते हैं दर्शन और आपको भी करवाते हैं। ये सबसे आखिरी में आए हुए ये तीन लोग। बैठे हैं हमारे बाबा केदारनाथ। तो जी हो गए हैं भैरव बाबा के भी दर्शन, और अब चलते हैं वापस केदारनाथ की साइड। मंदिर आपको दिख रहा होगा, वो रहा वहाँ पे नीचे,
तो चलते हैं नीचे की साइड और फिर सोचते हैं कि यहाँ रुकना है या वापस चलना है नीचे की साइड। टाइम हो गया है 4:46, तो कोशिश तो कर सकते हैं हम नीचे उतरने की। बड़ी निंचोली तक भी उतर जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी स्टे मिल जाएगा, वहाँ से सुबह शुरू कर लेंगे और अगर मौसम ख़राब नहीं हुआ तो फिर रात रात में नीचे खींचेंगे। तो जैसा भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। मिलते हैं आपसे नीचे चल के। मुझे उतर के आ गए हैं नीचे और डिसाइड ये हुआ है कि जहाँ तक भी जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे और अगर मौसम ने साथ दिया, हिम्मत बनी रही, ज़्यादा थकान महसूस नहीं हुई तो भाई खींच देंगे आज पूरा सोनप्रयाग तक। 5 hours later. तो भाई लड़कों ने मार दिया बढ़िया वाली हिम्मत। 5 बजे चले थे केदारनाथ से और 9:30 ही मान लो, तो 4.5 hours में कर दिए हैं पूरे 20 किलोमीटर के आसपास कवर पैदल। तो मज़ा आ गया उतर के। अभी पहुँचे हैं गौरीकुंड, यहाँ से वही गाड़ी पकड़ेंगे जो उधर से आते हुए पकड़ी थी और फिर पहुँचते हैं सीधा अपने रूम पे, या वो कोई और रूम लेना पड़ेगा वो देखेंगे। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं सोनप्रयाग की साइड, फिर वहाँ से चलेंगे सीतापुर।